तो मार्केटमां कोई तमने एवं कहे कि हूँ तमने व्याजे लोन आपू छू, मारा गांधीनगर सुधी छेड़ाड़े छे, बरे 1700 रुपया भरवार पड़शे। आवुं कहीने कोई वगर व्याजे लोननी बात करे तो तमे सावधान रहेजो, कारण के आवा लोको तोड़बाज होय छे। एक शख्स वगर व्याजे लोन, अनेक महिला ने टार्गेट, 42 करोड़ नी ठगाई। लोको विविध रीते ठगाई करता होय छे। टीवी स्क्रीन पर जोवा मळता आ शख्से अलग ज रीते ठगाई करी छे। अमदावादमां एक गुनामां जेलवास भोगवीने आवेला दीपकसिंह राजपूते ठगाईनो खेल कर्यो। ते जेलमांथी बहार आव्या बाद मोटी रकम कमावा माटे एक फाउंडेशननी रचना करी हती। बादमां केन्द्र सरकारमांथी महिलाओने वगर व्याजनी लोन अपावा माटेनी योजना शरू करी हती। मंत्रीओ नेताओनी साथे कार्यक्रमो करी फोटा पड़ावी दीपकसिंह राजपूते युनिटी फाउंडेशननी रचना करी हती। अमदावाद, वडोदरा, सूरत, नड़ियाद, गोधरा, छोटाउदेपुर, दाहोद जिल्लामां अने राजस्थानमां पोताना एजेंट राखीने एक फॉर्मना 1700 रूपया लई लोकोना फॉर्म भराव्या हता। जो के त्यारबाद एक पण व्यक्तिने लोन न मळता लोकोना 42 करोड़ रूपया चाव करी गयो। केवी छे मॉडस ऑपरेंडी? आरोपी दीपकनी मॉडस ऑपरेंडी हती के तेना एजेंटो अने तेने लोकोने मंत्री, सांसद अने धारासभ्योना फोटो बतावीने प्रभावित करतो। युनिटी फाउंडेशनना मोटा पाये काम करी रह्यो छे। तेओ देखाड़ो करतो हतो जो के आखा राज्यमां अने राज्य बहार लोकोने लोनना नामे फॉर्म भरावीने अनेक फॉर्म दीठ 1700 रूपया लेतो। बहु मोटी रकमनो कौभांड आचरवामां आव्यु छे तेवुं ध्यानमां आवता पीसीबी वडोदराए तपास हाथ धरी अने आखा कौभांडनो पर्दाफाश कर्यो। दीपकसिंह राजपूते 1.5 लाख लोको पासेथी फॉर्म भराव्या हता। 50 करोड़ रूपयानुं कौभांड आचर्यु होय तेवी तपासमां बहार आव्यु। कोण छे दीपक राजपूत? आरोपी दीपक राजपूत ने अमदावाद में पासामा जेल में जई आवेलो छे अने आ उपरांत तेना विरुद्ध में चीटिंग नो गुनो पण नोंधायेलो छे। राजस्थान में हाल पीसीबी पोलिस राजपूत अने अन्य एक किस्मनी गैरकायदेसर हथियारों साथे धरपकड़ करी छे अने कायदेसर नी कार्यवाही शुरू करी छे। जो कि पोलिस नी प्राथमिक तपास में गुजरात अने राजस्थान ना विविध विस्तार में 100 करोड़ नो कौभांड आचर्यु होय तेवुं मानवुं छे। कैमरामैन जयंती सोलंकी साथे मानु चावड़ा, वीटीवी न्यूज, वडोदरा।